विधायक रामलाल जाट क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। शानदार बजट देने किसानों की नुमाइंदगी करते हैं रामलाल जाट साहब और खास तौर पर किसान समाज से आते हैं, किसानों की उम्मीदें कितनी पूरा होगी इस बार? देखो, किसान की कोई सरकार कभी मदद इतनी रूप में नहीं कर पाई जितना कांग्रेस कर पाई। हमेशा किसान ठगा गया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे और कोई हो, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा राहत भरा काम किसानों के लिए किया। तो उम्मीद हमें पूरी है, मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए अलग से बजट दिया था। पशुपालकों और डेयरी जो है, आप डेयरी क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं, पशुपालकों के लिहाज से और डेयरी बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो क्या उम्मीदें करके बैठते हैं किसानों को? देखो, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है डेयरी पशुपालकों को, और हमें उम्मीद है सॉर्टेड सीमन जैसे बछड़ियां ही पैदा हो जो आज आवारा जो जानवर घूमते हैं शहरों के अंदर। तो आने वाले 2-5 साल में अगर इस बजट में वो चीज़ें आती है, हमें उम्मीद है, तो सॉर्टेड सीमन जब आएगा तो बछड़ियाँ ही पैदा होगी, उससे राहत मिलेगी किसान को भी, क्योंकि कुछ गले में एक दुपट्टा डाल के पशु मेलों को बंद करवा दिया, उन लोगों की वजह से किसानों को बहुत तकलीफ आ रही है। रोड पे गाय प्रॉफिटेबल होती है तभी गाय बचती है, गौशालों से गाय नहीं बचती। गाय बचती है जब इनकम देती है तो आम किसान उसको पालता है। ये पुरानी परंपरा है, जब गाय का बछड़ा बिकता था, गाय के दूध बिकता, गाय का गोबर बिकता, गाय की चमड़ी बिकती, गाय की हड्डी बिकती थी, वो जमाना पूर्व में रह गया। उनको कुछ लोगों ने इस चीज़ को हथिया कर किसानों के साथ बर्बादी की है। उम्मीद है कि अब नए सिरे से नई तकनीक से किसानों को राहत अशोक गहलोत जी दे रहे हैं, इस बजट में भी पूरी उम्मीद है पूरा मिलेगा। तो इस बजट में पूरी उम्मीद है पूरा मिलेगा, ये कहना रामलाल जाट का है।